नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राजपूत समाज की महिलाओं ने आज एक बैठक का आगाज किया जिसका मुख्य मुद्दा था फिल्म पद्मावती, जिसको बंद करने की बात इस बैठक में जोर से कही गई। इस बैठक में सभी ने एक राय होकर फैसला लिया कि पद्मावती फिल्म को गुना में नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही राजपूत कर्णी संघ के उपाध्यक्ष मनीषा चौहान ने कहा कि हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, राजपूत समाज सक्षम समाज है, इसे आरक्षण की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत समाज में सभी को ऊंच नीच का भाव छोड़कर एक होकर रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सबको समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। साथ ही फिल्म पद्मावती में जो गलत सीन दर्शाए गए हैं उसकी वजह से पूरी फिल्म को गुना में न चलने देने चाहिए और साथ ही इस फिल्म पर पूरी तरह से रोक भी लगा देनी चाहिए। तो तोड़ मरोड़ कर संजय लीला भंसाली के द्वारा जो मूवी प्रदर्शित की जा रही है, आज हम उस सब उसके विरोध में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित एवं आरक्षण के और इसके विरोध में हम उपस्थित हुए यहाँ पर विराजमान हमारे राजपूत करणी सेना की अध्यक्षा संगठन महामंत्री श्रीमती आशा सिंह जी राजावत जी, श्रीमती मनीषा चौहान जी जिला करणी सेना उपाध्यक्ष, श्रीमती अंशु तोमर जी जिला सचिव, श्री शिवराज सिसोदिया जी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश महासचिव चंबल संभाग प्रभारी, मैं उन सबका यहाँ पर विराजमान उनका मैं स्वागत और करता हूँ। और यहाँ पर जो बैठी हमारी, हम उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे पदाधिकारियों का स्वागत करें। हमारे कविन सिंह चौहान भी आए, भानु भैया भी आए, यहाँ पर जितने भी सब उपस्थित हैं सब आकर उसकी तरफ से आंदोलन छेड़ा गया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से आंदोलन छेड़ा गया है आरक्षण के खिलाफ, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है, सबको उसका सहयोग करना है। उन लोगों का ये मुद्दा है, हम लोगों का ये मुद्दा है कि हमें ये आरक्षण पूरी तरह से समाप्त करना है। जो सामान्यता वर्ग है उसके थ्रू उनको आगे लाएँ, उसके थ्रू उनको जॉब मिले, कॉलेजों में एडमिशन मिले, क्योंकि अपने समाज के काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। पति को लेके जो पद्मावती के कुछ सीन उसमें दिखाए हैं भंसाली जी ने, वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। हम अपनी जो हमारे पद्मावती को हम लोग अपनी देवी के रूप में मानते हैं, हम कैसे जैसे सीता मैया को अपन रावण के साथ आप ड्रीम में दिखा दें तो वो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, वही मुद्दा पद्मावती को लेके है। उसमें ये आंदोलन छेड़ा जा रहा है कि ये पिक्चर रिलीज ना हो। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि सबसे पहले तो राजपूत लोग अपना ईगो ख़त्म करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब ना देख के पूरे समाज को एक होना पड़ेगा, और जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोगों से मेरा एक और निवेदन है, जो ये आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है इसको पूर्णतः ख़त्म किया जाए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए है, हम उस लायक हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म किया जाए, किसी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और समानता का अधिकार है सबको, और योग्यता को जो हमारे में टैलेंट छुपा हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। काफ़ी प्रतिभाशाली महिलाएं हमारे समाज में भी, हम सब एकजुट होके सभी कार्य करें एक साथ मिलके, और जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनको दूर किया जाए। जैसे कि देख रहे हैं मृत्यु भोज काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो उसको भी बंद किया जाए, और जो दहेज प्रथा है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। ये सभी से मेरा अनुरोध है, और हम सब तभी एक होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, और जो 12 तारीख को जो हमारे आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है उसमें संपूर्ण समाज एकत्रित होगा, और मेरा सब आप लोगों से ये निवेदन है कि जितनी संख्या में हम यहाँ से पहुँचे रतलाम 11 तारीख को हम लोग चले। उपस्थित सज्जन और देवियों सब, जो मेरे राजपूत भाई बहन जो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, आज उनसे मेरा यही निवेदन है कि आज हम एक खास मुद्दे के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक तो 12 तारीख की रतलाम में रैली हो रही है,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर सहयोग करें और उसके संगठन को मजबूत बनाएं और अपनी जाति का थोड़ा सा उद्धार करें, तो इससे अपने देश का भी, अपना गुना जिले का, एमपी का, सबका नाम बहुत अच्छा हो। और दूसरा मुद्दा है, पद्मावती जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसमें काफ़ी सीन ऐसे दिए हैं जो रानी पद्मावती के बिल्कुल खिलाफ है, उनके कैरेक्टर के खिलाफ है, जो कुछ हुआ ही नहीं घटित वो इन्होंने फिल्म में दिखा दिया, तो उस इसलिए उस मुद्दे पे भी वहाँ आरक्षण हाँ हो रहा है कि भाई ये फिल्म नहीं चलना चाहिए, जो सही सीन है वो ही बताएं, जो गलत चीज़ है वो नहीं बताएं। आज एक बार फिर गुना पीजी कॉलेज के बाहर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। बता दें कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बाहर हेलमेट चेकिंग का अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर दो पहिया वाहन चालकों को रोककर उन जिनके पास हेलमेट नहीं है उनके चालान बनाए जा रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग दूर से ही देखकर अपनी गाड़ी घुमाकर भाग जाते हैं। हेलमेट अभियान के नाम पर यहाँ पर जमकर वसूली भी की जा रही है, पर इसका कोई नतीजा जिससे कि लोग हेलमेट पहन सकें देखने को नहीं मिलता है। अब देखना यह होगा कि वाकई क्या ये मुहिम लोगों के सरों पर हेलमेट ला पाएगी या नहीं। प्रदेश शासन के आदेश अनुसार प्रत्येक मंगलवार को हर जिला मुख्यालय पर होती है जनसुनवाई। इसी के मद्देनजर आज नवीन कलेक्ट्रेट भवन में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोगों ने अपनी परेशानियों को कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष रखा। जनसुनवाई में आज आरोन से पहुंचे कुछ छात्र, छात्रों ने आरोप लगाया कि वे शासकीय उच्चतर बालक छात्रावास आरोन में रहते हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उन्हें काफी दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, साथ ही बिजली की व्यवस्था भी सही नहीं है, कई प्लग टूटे पड़े हैं तो किसी में तार निकल रहा है। वही बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें रोज ही दाल और आलू खाने को मिलते हैं, इनके अलावा कोई और सब्जी उन्हें नहीं दी जाती और दाल की स्थिति दयनीय, उसमें सिर्फ पानी होता है, तेल तो बिल्कुल मिलाया ही नहीं जाता। वहीं शिकायत करने पर छात्रों को मिलती है अधीक्षक से बाहर निकाले जाने की धमकी। छात्रों ने यह भी बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व छात्रावास की चेकिंग के लिए कोई आए थे, जिन्हें अधीक्षक ने 5,000 रुपए देकर चलता कर दिया। इन छात्रों को कलेक्टर राजेश जैन तक पहुंचने से भी रोकने की कई कोशिशें की गई, इसके बाद भी ये लोग उन षड्यंत्रों से बचते हुए कैसे भी कलेक्टर राजेश जैन के गुहार लगाने की पहुंच ही गए। साथ ही कलेक्टर राजेश जैन से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त छात्रावास का निरीक्षण कराए जाने की बात भी कही और जितनी भी खामियां हैं उन्हें जल्द से निराकरण करने की बात भी कही। शासकीय बालक आदिवासी छात्रावास है आरोन में, पानी की समस्या है,
बालक आदिवासी छात्रावास आरोन, आप आरोन से ही बोल रहे हैं ना, तो फिर काय को अनजाने बन रहे हो। जाके उसको देखिए हॉस्टल में क्या क्या समस्या है, अभी जाइए, ठीक है, आपके ऑफिस के पीछे ही है हॉस्टल, ठीक है ना, जाइए। पानी की समस्या है तो उसका निराकरण करवाइए। आप भी देख लो पीछे हॉस्टल आरोन। सर जी, हमारे में पानी तो बिल्कुल नहीं है हमारे होटल में, और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पूरा बिगड़ रही है पूरी पार्ट। और सर जी, तो यानी कि कुछ बोलते हैं तो यानी कि धमकी देता है कि बाहर से निकाल होटल से, अगर यानी कि कुछ भी अपन बोलो तो कलेक्टर से अनुमति नहीं है, ये भी बोलते हैं, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी ऐसे। और ऐसे तो सर जी पूरा साल हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ। खाना कैसा मिलता है आपको? खाना तो सर जी सब पानी जैसा मिलता है, पानी पूरी दाल, और दाल एक ही एक सुबह, और दाल और आलू बस ये, उसके अलावा और तेल उसमें डलवाता है केवल 50 ग्राम। लाइट वगैरह? लाइट पूरी फाल्ट, फिर भी नहीं सुधरवाते। कौन सा छात्रावास है? शासकीय बालक आदिवासी छात्रावास। अभी आप लोग जहाँ पे आए थे ज्ञापन देने, तो आपको कौन ने रोका? सर जी अधिकारी है ना, उन्होंने ना जाने नहीं दिया। सर जी वहाँ पे कोई गए थे ना, उनको 5,000 रुपये दे दिए रिश्वत लेके, रिश्वत लेके भी दी। और कल आवेदन का 2,000 आवेदन उसका नहीं है सर, कम से कम बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी, जैसे पानी भरने के लिए कुछ साधन नहीं देते, बाल्टी वगैरह, तो खाना वैसा कट, रोटी मोटी ना मोटी मिलती है, और सब्जी में बस 50 ग्राम तेल डालते हैं, वैसे ही पानी जैसी सब्जी लगती है। छात्रावास से वहाँ पानी की कमी है, और पानी की कमी दूर करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास करेंगे कि वहाँ कनेक्शन हो जाए, और नहीं होगा तो फिर हम दूसरा कनेक्शन करवाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ खाना भी बराबर नहीं मिल रहा है? खाना मिलता है, SDO को बोला है, SDO ऑफिस के पीछे ही है वो, कि वो हर सप्ताह उसका निरीक्षण किया करें। इसी तारतम्य में सिरसी कला से पहुंचे ग्रामीण और कलेक्टर आए जैन के समक्ष, उन्होंने अपनी गुहार भी लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें निकलने की सड़क पर पटेल ने कब्जा कर लिया है, और साथ ही उसको बंद भी कर दिया है, जिससे उनके आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिसके चलते बच्चे भी कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर आए जैन ने इस समस्या को जल्द निराकरण करने का आश्वासन तो दे ही डाला। समस्या लेकर कि हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए हैं, गैर नहीं है। समस्या लेकर आए कि मोमड़ जाते के गैर ज़्यादा जमीन डरी थी, और मोमड़ पड़ भी जाते सो रास्ता बंद कर दी, आज से 8 दिन आज मोमड़ी हमारे घर पड़ी, स्कूल नहीं गए। कितने रास्ता बंद कर पटेल ने? ताकि रास्ता निकलवे नहीं है हमेशा गाँव वाले ने, क्या हो जाएगा तुम्हारा काम। जैन आज औचक निरीक्षण करने जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारी खामियां भी देखी। वहीं प्रत्येक वार्ड में भी उन्होंने भ्रमण किया, साथ ही डॉक्टरों के केबिन तक में जाकर देखा, वहीं काफी सारे दिशा निर्देश भी दिए। आज हॉस्पिटल में एक अलग ही तरह से साफ सफाई देखी गई, शायद कलेक्टर राजेश जैन के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसके चलते विशेष तरह से साफ सफाई भी आज जिला चिकित्सालय में की गई। कई सारी कमियों को उन्होंने दुरुस्त करने के निर्देश भी, वहीं सफाई कर्मचारी के ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग भी कही। सफाई कर्मचारी के ठेकेदार पर यह आरोप है कि वह पूरी तरह से कर्मचारियों को अस्पताल की सफाई में नहीं लगाता है, वहीं कुछ ही कर्मचारी उसने लगा रखे हैं, जिनसे दो दो शिफ्टों में काम भी कराता है। साथ ही उन्होंने कई डॉक्टर्स के नए अपॉइंटमेंट की बात भी कही, वहीं व्याप्त गंदगी को लेकर खासे नाराजगी भी जताई। मैडम आप देखिए थोड़ा काम वाम आपका ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं तो प्रॉपर करिए, तो इसमें कोई डिफेंड बट की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अभी कितने हो रहे हैं? अभी कितने लोग करवा रहे हैं? पाँच से सात। हाँ सात अभी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अनामिका राजे बॉन्डी अच्छा खाते
ज्योति यादव को हटा दी दूसरी डॉक्टर अभी भी आ गई हटा नहीं लिया मैं करते रहो ना आधे कलेक्टर साहब ने दो तीन बातों पर केंद्रित किया था। एक तो ये कि सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, उसके बारे में जो स्थानीय जानकारी जो कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत की गई वो ये कि सफाई के ठेकेदार द्वारा पूरे कर्मचारी लगाए नहीं जा रहे, कुछ कर्मचारी कम करके कुछ कर्मचारियों से दो बार काम करा के इस तरह कर रहे हैं। उसके बारे में कलेक्टर साहब ने उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए भोपाल में मैडम गौरी सिंह से खुद बात करने का आश्वासन दिया है और उसको ठेके से दीवार करने के लिए आगे और भी मध्य प्रदेश में दूसरी जगह ठेकों में अगर वो आते भाग ना ले पाए इस तरह की कार्रवाई करने की हमने भी कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया और कलेक्टर साहब ने भी उसका आश्वासन दिया है। कुछ कमरों में जाली वगैरह टूटी हुई थी, जाली रिपेयर करने के साहब ने निर्देश दिए हैं, जो हम लोगों ने भी शनिवार तक जो है रिपेयर करवाने का आश्वासन साहब को दिया है। कुछ टूटी कुर्सियों के बारे में भी रिपेयर करने का साहब ने आश्वासन दिया है। कुछ एक दो संविदा डॉक्टर जो बहुत दिनों से एबसेंट हैं उनको हटाकर कलेक्टर साहब ने उनकी जगह दूसरे डॉक्टर अगर अवेलेबल हों तो वो अपॉइंट करने का आश्वासन दिया, तो उस बारे में भी प्रयास हम लोगों का जारी है। शासकीय अस्पताल पहुंचने वाली रोड पर आज हटाया गया अतिक्रमण। बता दें कि ठंडों के आते ही भारी व्यापारी शास्त्री पार्क से लगे एक फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। इन लोगों को जगह मुहैया कराने के लिए पुराने से काबिज अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया गया। इसके लिए आज गुरुद्वारे से होते हुए हॉस्पिटल तक जाने वाले रोड को अतिक्रमण मुक्त भी किया गया। गुना पहुंचे संत एवं कथावाचक सुमन जी महाराज। अपने अल्प प्रवास पर गुना आए सुमन जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीष वचन भी दिए। राजस्थानी मानस भवन में आज श्रद्धालुओं ने पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया एवं आशीर्वचन भी ग्रहण किए। इसके बाद वे यहां से गाजियाबाद निकल गए। आपको बता दें कि संत सुमन जी महाराज उज्जैन से गाजियाबाद जा रहे हैं। अच्छा वैसे
आज हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद देने के लिए भाई सुमन जी के चरण स्मारक भवन में पड़े थे। मैं उन्होंने समस्त भाव धर्म प्रेमी जनता मिले उसकी चिंता नहीं।
पर मेरा लक्ष्य है कि मुझे दूसरी करी और दूसरी को जब मैं देखता हूँ तो उस शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने जहां जहां किया है वहां परमात्मा राम के लिए किया तू दया मोदी तू शब्द राम के लिए और लक्ष्मण के लिए और सी जानकी जी के लिए है सीता के लिए तुलसी मिल जाए तो तीनों तुलसी नहीं जितनी समाई रामचरित मानस की बात है रामचरित मानस चाहे उज्जैन में बहुत ही आश्रम है मुनि बाबा का जो 102 वर्ष के हैं उनके साथ उनके शिष्य हैं भाई जी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहा मैंने हिस्ट्री छोड़ रखा है हमारे विशेष आग्रह पर दो मिनट यहाँ रुक कर हम सब गुनावासियों को आशीर्वचन दिए तो हम उनका धन्यवाद आग्रह करते हैं कि उन्हें कभी समय निकाल के पधारे गोदाम में इससे लोगों को आशीष करें। शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई के अंतर्गत रेड रिबन क्लब का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष पद पर रवि सोनी सचिव पद पर कविता मीना सदस्य पूजा परिहार आदर्श प्रजापति दीपक सुमन एवं जनजागरण सदस्य पुष्पा ओझा को बनाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन रेड रिबन क्लब पूर्व अध्यक्ष संदीप मेहरा ने किया। संस्था प्राचार्य डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी डॉक्टर वी के गुप्ता डॉक्टर डी पी सिंह डॉक्टर माया परस्ते डॉक्टर पी के झा अनिता होसले दीपक ओझा एवं समस्त छात्र छात्राओं ने बधाई भी दी। इस कार्यक्रम में रेड रिबन क्लब के अंतर्गत पीयर एजुकेटर सदस्यों का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा HIV एड्स के बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में प्रीति केवट प्रगति मरावी सरोज बीना नरेंद्र सैनी दशरथ अहिरवार आदि विशेष योगदान रहा। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। DGR में आज बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार।